एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का एक कसाई अपनी बीवी के साथ रहता था। उसने गांव के करीब ही एक छोटी सी दुकान खोली हुई थी, लेकिन आज तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन मीठे की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। ये आज लोगों को हो क्या गया है? सुबह से एक ग्राहक भी नहीं आया। क्या आज मूला की गोलियां खाकर सब बाथरूम में तो नहीं बैठे हुए? तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। ओ भाई जरा रुको, यहाँ आकर मेरी बात सुनो। वो आदमी आता है। हाँ मीठे भाई, क्या बात है? क्यों बुलाया है मुझे? भाई साहब एक बात तो बताओ, आप तो मेरा काम जानते हो, कैसे खचा खच मेरी दुकान ग्राहकों से भरी रहती है, लेकिन एक दो दिन से लोग ही नहीं आ रहे मेरी दुकान पर। अरे भाई तू क्या पागल हो गया है? दो दिन बाद बकरा ईद है, लोग अपनी कुर्बानी करेंगे या तेरे से गोश्त खरीदेंगे? आए हाय धत तेरे की, मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। मैं भी कहूँ कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे मेरी दुकान पर, अब समझ आई मुझे। शुक्र है टाइम से समझ आ गया तुझे। वैसे मजे है तेरे, ईद पर लोगों के जानवर काटेगा और खूब रोजी कमाएगा। हाँ तो अपने अपने हुनर और फन की बात होती है, गरूर नहीं किया मैंने कभी अपनी कारीगरी पर। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मीठा सारा गोश्त लेकर घर आ जाता है। ये क्या सारा गोश्त क्यों वापस लेके आ गए तू? सब खैर तो है? खैर तेरे होते हुए कौन सी खैर, इतना तू खाती है और दिमाग तेरा फिर भी नहीं चलता। मीठे मसला क्या हो गया बता तो सही, आते ही न्यू खाने की तरह शुरू हो गए। मोटी नाक मोटे पेट और छोटे दिमाग वाली औरत, दो दिन बाद बकरा ईद है, बजाय मुझे बताने के बकरे ही कटवा दिए। अच्छा भला ईद पर अच्छी कीमत पर बेचता और खूब पैसे कमाता। मीठा कितनी देर से मैं तेरी चक चक बक बक सुन रही हूँ, अपनी जबान को लगा बते, मैं अपनी बेटी के बारे में एक बात भी नहीं सुनूंगी। तुम माँ बेटी से तो बात ही करना फजूल है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त के साथ मंडी के पास आकर बैठ जाता है। यार मीठे परेशान क्यों होता है? तू अच्छा कसाई है, बकरे जिबा करके ईद पर अच्छे पैसे जमा कर ली, मैं भी तेरे साथ मिलकर दिहाड़ी लगाऊंगा। अरे यार अगर कोई बड़ा जानवर आ गया तो सारा दिन उसका गोश्त बनाते बनाते गुजर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इस ईद पर लाखों रुपए कमाऊँ। तभी वहाँ से एक कुत्ता गुजर रहा होता है, उसे देखकर मीठे के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। आ गया मेरे दिमाग में मस्त आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया है मीठे? यार इस ईद पर कुत्ते पकड़कर उन्हें ऊन लगाकर भेड़ बनाकर बेचते हैं, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। मीठे जब करी छोटी बात करी, कोई बड़ा हाथ मारने का ना सोची, कुछ ऐसा करके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए आए। पर लाखों रुपए आएंगे कैसे? मीठे बैल की कीमत लाखों में होती है, अगर हम प्लास्टिक का बैल असल बनाकर बेचे तो लाखों रुपए आएंगे। अरे ओ पागल दिमाग के छोटे, प्लास्टिक का बैल, लोग के अंधे हैं जो उसे नहीं पहचानेंगे। ओ मीठे मैं बैल के अंदर घुसकर उसका मुंह हिलाता और उसकी आवाजें निकालता रहूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा। फिर रात में मैं वापस बैल के अंदर से निकल कर उसे वापस घर ले आऊंगा। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्त, आइडिया तो तूने बहुत कमाल दिया है, चल फिर प्लास्टिक के बैल का बंदोबस्त करते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक प्लास्टिक का बैल खरीद लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। मीठे अब ये बैल कल हम मंडी ले जाएंगे। यार अगर किसी को शक हो गया तो कसम से बहुत मार पड़ेगी। नहीं होता किसी को भी, हम एक तजर्बा कर लेते हैं। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, तू अपनी बीवी को बुला कर आ, वो पहचान न सकी तो फिर हमें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। हाँ ये तरीका ठीक है, चल तू इसके अंदर चला जा। मीठे का दोस्त उसके अंदर चला जाता है और मीठा अपनी बीवी को लेकर आता है। देख बेगम मैंने कुर्बानी के लिए बैड़ा खरीदा है, कैसा है? अरे वाह मेरे मीठे, तूने तो मुझे खुशी कर दिया, क्या कमाल का मोटा तगड़ा बैड़ा लेके आया तू। मेरे मीठे मेरे दामाद, मैं तो
समझती थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी लुच्चे लफंगे के साथ कर दी है, लेकिन तूने ये बेड़ा खरीद कर साबित कर दिया है कि तू एक जिम्मेदार दामाद है। तूने हमारी शान और शौकत में इजाफा कर दिया है। इसका मतलब मैं कामयाब हो गया? हाँ मेरे दामाद, तू कामयाब होगा। अब तो पूरे गांव और शहर में हमारी कुर्बानी के चर्चे होंगे। तभी मीठे का दोस्त उस बैल में से अपना मुंह बाहर निकालता है, जिसे देखकर नसीबो और उसकी माँ डर जाते हैं। ओ मीठे, ये इंसान नुमा बैल तू कहाँ से लेके आ गया? ये इंसान नुमा बैल नहीं बल्कि प्लास्टिक का बैल है। ये तो मेरा दोस्त इसके अंदर इसका मुंह हिला रहा था। तुम दोनों पहचान ही नहीं सकी कि ये बैल असली है कि नकली। हमारा तजर्बा कामयाब हो गया। लड़त मीठे, तेरी शक्ल पे लड़त, हमारी सारी खुशियाँ एक मिनट में जमीन बस कर दी। खाक मेरे मुंह में खाक, जो मैंने इसकी तारीफ की। प्लास्टिक का बैल लाकर चौड़ा हो रहा है। सासू माँ, मैं ये बैल कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए लाया हूँ। पूरे 5 लाख रुपए का बिकेगा। क्या 5 लाख रुपए का? हाँ बेगम, बस तू दुआ कर, हम इसे मंडी लेकर जा रहे हैं। अगर बिक गया तो पैसों की रेल पेल हो जाएगी। मीठे मेरे बेटे, मेरी दुआ तेरे साथ है। तू जा कर ये प्लास्टिक का बैल बेच कर आ। मीठा उस प्लास्टिक के बैल को अपने साथ ले जाता है और वो गाय मंडी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद 2 ग्राहक वहाँ आते हैं। मीठे का दोस्त बैल का मुँह हिलाने लग जाता है। आओ भाई आओ, देखो कितना सेहतमंद बैल है मेरे पास। ले जाओ, ऑफर थोड़े टाइम के लिए है। हाँ बैल तो काफी अच्छा है, लेकिन पहले हम मंडी में जाकर जानवर देखेंगे। अरे भाई, आज मंडी बहुत गर्म है। 5 लाख वाले बैल का 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और मैं 10 लाख रुपए वाले बैल का सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ। ले जाओ, इससे पहले कि इस ऑफर से कोई और फायदा उठा जाए। हाँ भाई, बैल 7-8 लाख रुपए से कम का नहीं है। 5 लाख में तो बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त नहीं, फ्री है। ले जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। 5 लाख में तुम्हें 2 दांतों वाला बैल मिल रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ ठीक है, हमें तो ऐसा ही बैल चाहिए था। हमारा सौदा पक्का हुआ। वो मीठे को 5 लाख रुपए देकर वो बैल ले जाते हैं और घर लाकर बांध देते हैं। क्या किस्मत पाई है हमने, 5 लाख रुपए में 20 मन का बेड़ा मिल गया। हाँ भाई, और हमें धक्के भी नहीं खाने पड़े। सही कह रहे हो, चलो इसके चारे का बंदोबस्त करते हैं। वो दोनों उस बैल के लिए चारा लेने चले जाते हैं। तो मीठे का दोस्त बैल का मुंह हटाकर इधर उधर देखता है। शुक्र है दोनों चले गए, अपना काम हो गया। वो बाहर निकलकर उस बैल को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। वहाँ मीठा और उसकी बीवी और माँ उन पैसों का बंटवारा कर चुके होते हैं। मीठे 1 लाख रुपए नहीं, मेरी माँ जानी को 2 लाख रुपए दे। और मोटी नाक वाली औरत, 3 लाख रुपए तूने ले लिए, अपने हिस्से का भी 1 लाख रुपए तेरी माँ को दे दूँ और खुद खाली होकर बैठ जाऊँ। अभी तो कम्मू आने वाला है, वो भी पैसे मांगेगा। इतनी देर में वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उन तीनों के हाथ में पैसे देखकर गुस्से में आ जाता है। मीठे, ये क्या तुम तीनों ने आपस में पैसे बांट लिए हैं? मेरा हिस्सा कहाँ है? अरे कम्मू, तू फिकर क्यों करता है, तेरा हिस्सा भी तुझे मिल जाएगा। अभी अपनी बीवी और सासू माँ को पैसे देना जरूरी था। मीठे, ये बात ठीक नहीं है। मेरा हिस्सा मुझे दे, वरना मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। तो ना कर काम मेरा वीर, मैंने तेरी मिन्नत नहीं की। मैं तो अब ये काम खुद ही जान गया हूँ। मैं अब खुद ही बेड़े में घुसकर रोजी कमा लूंगा। मीठे, ये तू मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, मैं इस चीज का बदला लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा किया मीठे, जो तूने से भेज दिया, ऐसे ही मुफ्त में पैसों में हिस्सेदार बना था। कल तू इस बैल के अंदर घुस जा भी, मैं भी बड़ी बड़ के इस बैल को बेच दूंगी। अरे हाँ बेगम, परसों कुर्बानी है, कल इस बैल को 8-10 लाख रुपए का बेचेंगे। वहाँ जब वो ग्राहक चारा लेकर आते हैं तो अपना बैल वहाँ मौजूद ना देखकर परेशान हो जाते हैं। ये बैल कहाँ चला गया भाई? इसकी रस्सी खुली हुई है, लगता है ये वापस
मंडी चला गया होगा। चलो चलो मंडी जाकर देख कर आते हैं। वो दोनों मंडी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ मंडी में बिट्टू और उसका बाप एक गाय का सौदा कर रहे होते हैं। भाई साहब, क्या मुंह फाड़ फाड़ के कीमत मांग रहे हो? 3 लाख रुपए की गाय नहीं है और आप इसके 7 लाख रुपए मांग रहे हो? अरे भाई, 7 लाख रुपए कम नहीं है। अगर समझ आती है तो ले लो, वरना कहीं और से जा कर लो। अबू जान, इनके दिमाग तो आसमानों पर पहुँचे हुए हैं। हम चलते हैं, कल आखिरी दिन है, ये खुद ही सस्ती बेचेंगे। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक रहा है, अब कल ही आकर खरीदेंगे। ये कहकर वो बाप बेटा घर की तरफ चले जाते हैं। क्या हुआ बिट्टू जी, बेड़ी नहीं लेकर आए आप लोग? कहा बेगम, गाय की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। 7-8 लाख रुपए से तो कोई बैल भी कम नहीं मिल रहा। ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। अरे बेगम, 7-8 लाख रुपए का जानवर भी हम खरीद लेंगे, मगर उसका वजन भी तो 7-8 लाख रुपए जितना हो। हाँ बेटा, अब कल जाकर मंडी से गाय खरीदेंगे। फिर जब रात होती है तो कम्मो मीठे के घर आता है और उसके बैल में एल्फी डाल देता है। अब आएगा मजा, अब जब ये इसमें जाएगा तो चिपक जाएगा, बाहर ही नहीं निकल सकेगा। मेरा हिस्सा खाया है ना इसने, अब इसको सजा मिलेगी। कम्मो वहाँ से चला जाता है और जब सुबह होती है तो वो तीनों आते हैं। चल बेगम, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, मुझे मंडी लेकर चल, और अगर कोई ग्राहक आए तो उसे 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं बताना, और अगर ज्यादा बहस करे तो उसे 8 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है मीठे से प्लास्टिक के बैल में घुस जा, मैं तेरी 8 लाख में कुर्बानी कर दे दूंगी। फिर वो तीनों मंडी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ बिट्टू और उसका बाप भी गाय खरीदने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो मंडी पहुँचते हैं तो वहाँ नसीबो और उसकी माँ खड़े होते हैं। आ जाबो, तगड़ा तगड़ा बेड़ा खरीद के ले जाबो, दूध बादाम और मक्खन खिला खिला के पाले बेले सको। अबू जान देखो तो सही, बेड़ा बहुत प्यारा लग रहा है, बाजी कितने रुपए मांग रही हो इसके? अरे भाई, वैसे तो इस पर 15 लाख रुपए खर्चा आया है, लेकिन तू भी क्या याद कर बेगा, ये बेड़ा 10 लाख रुपए में ले जा। बेटा, 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, अगर समझ आती है तो 7 लाख रुपए में दे दो। बाबा जी, ना तुम्हारी ना हमारी, 8 लाख रुपए दे बोर, ये बेड़ा ले जाबो। अबू जान, 8 लाख रुपए तो बिल्कुल ठीक है इसके। ठीक है बाजी, हमें सोडा मंजूर है। कम्मो ये सब कुछ देख रहा होता है। बिट्टू और उसका बाप वो बैल खरीद कर ले जाते हैं और अपने घर लाकर बांध देते हैं। बिट्टू की बीवी और माँ बहुत खुश होते हैं। ले भाग्यवान, 8 लाख में देख कितनी खूबसूरत चीज मिली है। हाँ सुसर जी, ये तो बहुत खूबसूरत बैल है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेगम, अब अंदर चलो, इस बैल को आराम करने दो, सुबह इसको जीबा भी करना है। वो सब अंदर चले जाते हैं तो मीठा उस बैल का मुंह हटाकर अपना मुंह बाहर निकालता है और यहाँ वहाँ देखता है। वाह, मजा ही आ गया, कोई भी नहीं है, मैं अब जल्दी से बाहर निकलकर इस बैल को अपने साथ ले जाता हूँ। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एल्फी की वजह से वो चिपका ही रह जाता है। अबे दर्द तेरे की, ये मैं बाहर क्यों नहीं निकल रहा, ये इसके अंदर एल्फी किसने डाल दी? मैंने एल्फी डाली है। मीठे, तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया था ना, अब कल जब कसाई आएगा तो वो तेरे गले पे छुरी फेरेगा। कम्मो मेरे दोस्त, मुझे बाहर निकाल, वरना ये लोग मुझे जीबा कर देंगे। कर दे जीबा, मेरे से बेईमानी करता है, अब तेरी यही सजा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू कसाई को लेकर वहाँ आ जाता है। ये रहा बैल, कसाई भाई इसको जीबा कर दे और इसकी बोटियाँ गोल गोल बनाना। अरे भाई, तू फिकर ही न कर, इसकी टांगे बांध कर इस बेड़े को गिरा कर इसके गले पर छुरी फेरेंगे। चलो इसकी टांगे बांधते हैं। तभी मीठा अपना मुंह बाहर निकाल लेता है। अरे भाई, मुझे बाहर निकालो,
ये असली नहीं प्लास्टिक का बेड़ा है, मैंने पैसे कमाने के लिए ये दो नंबरी की है। तभी कम्मो उन दोनों को भी ले आता है। अच्छा तो ये फराडिया है, इसने हमें ये प्लास्टिक का बैल बेचा है, कहाँ है हमारे पैसे? भाई पैसे मेरे घर पर है, मुझे बाहर निकालो। अबू जान ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, इसे और इसके घर वालों को पुलिस के हवाले करते हैं। फिर वो मीठे उसकी बीवी और माँ को जेल में बंद करा देते हैं और बिट्टू और वो सब ईद वाले दिन कुर्बानी के लिए नया जानवर खरीद कर ले आते हैं।